हेलो गाइस मैं मैसे मितेश कुमार फाउंडर ऑफ़ एजुकेशन जी ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था जो जिस कॉलेज के बारे में मैं बात करने वाला हूँ कटिहार मेडिकल कॉलेज के मेडिकल कॉलेज कटिहार बिहार का सबसे टॉप प्राइवेट कॉलेज है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कॉलेज के बारे में क्या फी स्ट्रक्चर है क्या ऑफ है लास्ट ईयर का और टू में क्या सेफ स्कोर रहेगा हाँ और आप लोग का अंदर का भी बात बताएंगे कि कॉलेज का अंदर का पोजीशन क्या है इस वीडियो देखने के बाद आपको कटिहार मेडिकल कॉलेज के लिए कोई दूसरा चीज़ वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा और ये फुल इंफॉर्मेशन होगा कटिहार मेडिकल कॉलेज के बारे में यस डियर स्टूडेंट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कटिहार मेडिकल कॉलेज का तो ये बिहार का सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज है पहली बात यस yes, ओल्डेस्ट कॉलेज सबसे ज़्यादा है और ये मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज हैं इससे मतलब क्या हुआ इससे सिंपल यही मतलब है कि 50% परसेंट सीट्स जो टोटल तो, 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 सीट है 50% परसेंट सीट मुस्लिम कैंडिडेट के लिए रिजर्व है तो यहाँ पे पायोरिटी दिया जाता है मुस्लिम कैंडिडेट को अगर आपका थोड़ा कम भी स्कोर है तो आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है तो क्या सर अदर स्टूडेंट को एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं ले सकते हैं कोई दिक्कत इस कॉलेज में नहीं है हाँ अब बात कर लेते थोड़ा सा इसमें कि क्या सर इसमें सिर्फ एम का स्टडी होता है क्या के में नहीं एम के साथ आपको एम डी सारे कोर्सेज का एडमिशन इसमें होता है स्टडी कराया जाता है तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी से, से अफलेटेड कॉलेज है और इस कॉलेज का पोजीशन क्या है अभी क्या इसमें रिसर्च वर्क वगैरह होता है कि नहीं वो भी हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे अल करीम यूनिवर्सिटी यस ये अल करीम यूनिवर्सिटी है इसी से अफिलेटेड कॉलेज है के एम सी मतलब बोला जाए इसी का ये यूनिवर्सिटी हो गया कोई अलग से इनका यूनिवर्सिटी नहीं है जैसे कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी जो होता है उससे ऐसा सीन इनसे अप्रूवल का नहीं है इसमें थर्टी फोर कोर्सेज होते हैं अदर अदर कोर्सेज भी होते हैं हम लोग ज़्यादा देखेंगे एम बी बी एस यू जी के लिए और एम जी एम डी के लिए और एम एस के लिए यह फिफ्टी फाइव एकड़ का कैंपस है और इसमें व ट्वेल्व हंड्रेड बारह सौ इसमें इम्प्लॉय स्टाफ्स काम करते हैं कॉलेज में यस नेक्स्ट देखते हैं इसमें कटिहार मेडिकल कॉलेज जो है वो अक्टूबर 1987 में एस्टेब्लिश हुआ था यस yes, ये जो अलकरीम एजुकेशनल ट्रस्ट बना उसके थ्रू ये 1986 में काम शुरू हुआ और 1987 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है यस yes, और ये मुस्लिम मैजिस्ट्रेट्स कॉलेज है अलकरीम यूनिवर्सिटी जो है वो 2019 में यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज हो गया तो कौन-कौन कोर्स जैसे कि अलकरीम नेशनल एजुकेशनल ट्रस्ट जो है वो अल करीम यूनिवर्सिटी बनाया उसमें कौन कौन कॉलेजेस आ जाते हैं के एम सी कटिहार मेडिकल कॉलेज आता है स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट आ जाता है फिर पैरामेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज का कोर्सेज आता है स्कूल ऑफ़ फ़ार्मेसी भी इसमें है और स्कूल ऑफ़ नर्सिंग भी है इसमें ये सारे कोर्सेज इसमें अवेलेबल है अलकरीम यूनिवर्सिटीज के अंदर में हाँ आप यहाँ पे लोगो देख सकते हो अलकरीम का एक अच्छा सा बनाया गया है टू लिखा हुआ है यहाँ पे विजन देख सकते हो कि ह्यूमन वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं मिशन यही है कि एजुकेशन एंड रिसर्च वर्क इनका ज़्यादा होना चाहिए इंस्टीट्यूट में हाँ तो आ, आ, कटिहार मेडिकल कॉलेज में रिसर्च वर्क भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है अगर हम फैसिलिटीज़ की बात कर ले तो ये 800 हंड्रेड बेडेड हॉस्पिटल है मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ 800 हंड्रेड बेडेड हॉस्पिटल है 800 अभी तक बिहार में किसी के पास नहीं है बेडेड हॉस्पिटल 1500 बेडेड हॉस्पिटल किसका है पीएमसीएच का पीएमसीएच कितना है पंद्रह सौ बेडेड हॉस्पिटल इसको कंसिडर कर सकते हो तो इस लेवल का यहाँ पे ऑडियो विजुअल क्लासरूम है इक्विप्ड विद द डिपार्टमेंटल लेबोरेटरी एंड सेमिनार हॉल्स है कैफेटेरिया ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज सेमिनार वर्कशॉप एंटी रैगिंग सेल 24 फोर इंटू सेवन सीसी टीवी सर्विलेंस मॉडर्न लेबोरेटरी एग्जामिनेशन हॉल जिम बुक्स ब्लड बैंक ट्वेंटी फोर इंटू पावर सप्लाई ये सारे फैसिलिटीज इसमें इंडोर गेम्स वगैरह भी अवेलेबल है इस यूनिवर्सिटीज़ में जैसा मैंने अभी बता रखा था, था आपको इसमें एम होता है एम में बायोकेमिस्ट्री कम्युनिटी मेडिसिन एम डी में डर्मेटोलॉजी एम डी में जनरल मेडिसिन एम में माइक्रोबायोलॉजी तो सर ये बताने से फायदा क्या है एम में हो गया जनरल सर्जरी एनाटोमी हो गया ऑर्थोपेलोजी हो गया ऑर्थोपेडिक हो गया इसके क्या मतलब इसका मतलब ये है कि इस लेवल का यहाँ पे फैकल्टी भी अवेलेबल है आप इस कॉलेज को डेफिनेटली चूज कर सकते हो फार्मेसी नर्सिंग तो मैंने बता ही दिया आपको एम में जो

होना जरूरी है तभी जाके आपका एडमिशन हो सकता है और नीट में बड़ा अच्छा स्कोर होना चाहिए उसका हम अभी बात आपको करेंगे सबसे पहले बात करते हैं सीट एलोकेशन का तो टोटल सीट जो है वो वन फिफ्टी सेट्स है रिकोगनाइज है हंड्रेड और परमिटेड है आपको फिफ्टी रिकोगनाइज हंड्रेड मतलब क्या हुआ जो ओल्ड सीट है वो सौ सीट है और जो नया रिकॉग्नाइज किया गया है मतलब इसको बोला कि हाँ परमिटेड किया गया कि आप ले सकते हैं एडमिशन वो पचास सीट है तो टोटल एडमिशन किस पे होगा वन फिफ्टी सीट पे होगा तो इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं आप टोटल उसको इकोवेलेंट बराबर मान सकते हो जो मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी से स्टूडेंट है उसको फिफ्टी परसेंट सीट का रिजर्वेशन है ये तो कम कट ऑफ जाएगा अगर रिजर्वेशन है तो यहाँ पे सेवेंटी फाइव सीट मुस्लिम माइनॉरिटी को मिलेगा जनरल कैटेगरी को आपको थर्टी फाइव परसेंट सीट मतलब फिफ्टी टू सीट जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है एनआरआई कैटेगरी के लिए आपको पास ट्वेंटी टोटल ये टोटल एनआरआई कोटा के लिए होगा और एनआरआई कोटा का फी स्ट्रक्चर भी अलग लगता है सबसे इंपॉर्टेंट बात फी स्ट्रक्चर का भी हम कर लेते हैं जो आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ट्यूशन फीस जो है वो नाइन पर ईयर है जो कि आपको साढ़े साल के लिए पे करना है क्लियर है फोर फाइव इन पॉइंट थ्री फाइव इसमें कोई इंक्रीमेंट पर ईयर नहीं है कटिहार मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे कॉलेज में परसेंटेज से इंक्रीमेंट होता है फाइव या टेन परसेंट लेकिन इस कॉलेज में नहीं है डेवलपमेंट चार्ज होता है एक लाख बीस हजार रुपया पर ईयर ये भी आपको पे करना है कुछ गार्जियन कहते हैं कि डेवलपमेंट चार्ज ये लेते क्या है डेवलपमेंट चार्ज मतलब हो गया एक साल से दूसरे साल में जो बच्चा जाएगा तो उसका चार्ज वो लोग लेते हैं एक लाख बीस हजार रुपया जो एनआरआई कोटा से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनको ट्वेंटी फाइव थाउजेंड यूएस डॉलर पर ईयर ट्यूशन फीस है हाँ लगभग बात कर ले तो साढ़े अट्ठारह लाख रुपया पर ईयर ट्यूशन फीस है डबल हो जाएगा नॉर्मल से यस yes, जो एनआरआई आर उन स्टूडेंट का एडमिशन होता है वो आप हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं कि एनआरआई कोटा में बिहार में एडमिशन कैसे ले सकते हैं आप हमारे एक्सपर्ट का नंबर नोट कर सकते हैं वो आपको डिटेल में बता देंगे कि एनआरआई कोटा से एडमिशन कटिहार मेडिकल कॉलेज में कैसे पॉसिबल है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड है उसके बाद बात कर लेते हैं कि हॉस्टल का तो आपको 2.5 लाख रुपीज पर ईयर हॉस्टल लगेगा और जो हॉस्टल का चार्ज है वो यहाँ क्लियरली मैं साढ़े पांच साल का फी स्ट्रक्चर है ये 2021 टू थाउजेंड ट्वेंटी आ चुका है इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा अगर कोई कमिटमेंट करता है कि इससे कम में एडमिशन हो जाएगा तो ये फॉल्स बात है आपका एडमिशन यहाँ पे नहीं होगा इस कम फी स्ट्रक्चर में एक और चार्जेज है स्टूडेंट सर्विसेज एंड एम्यूनिटीज का यह पचास रुपया पर आपको पे करना पड़ेगा इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है ट्रांसपोर्ट होता है, सोचा है, का होता, है का होता है पचास हजार लेंगे।, हाँ, लेंगे और रिफंडेबल सिक्योरिटी होता है एक लाख रुपया पे करना है क्लियर है ये सारे चीजों का आपको ध्यान में रखना है अगर आप इसको टोटल जोड़ोगे तो आपको 63 लाख रुपीज आ जाएगा कितना पैकेज अगर बात कर ले टोटल साढ़े पांच साल का पैकेज का बात कर ले तो सिक्सटी थ्री लाख रुपीज आपको कंप्लीट आएगा इस कॉलेज के पैकेज एडमिशन का क्लियर है एक और पॉइंट देख लेते हैं कि इसमें फी कंसेशन का क्या सीन है यस इसमें 25 परसेंट स्टूडेंट जो बिहार से बिलोंग करते हैं और जिसका एस सी एस टी ओ में आते हैं और विमेन कैटेगरी का है तो उनको स्कॉलरशिप मिलेगा हाँ लेकिन वो किस पे मिलेगा मेरिट बेस पे जिसका अच्छा नीट में स्कोर रहेगा उसको स्कॉलरशिप मिलेगा वन फिफ्थ बच्चों को हंड्रेड परसेंट मिल जाएगा और टू फिफ्थ को आपको फिफ्टी परसेंट मिलेगा और जो बैलेंस है उसको ट्वेंटी फाइव परसेंट का फी कंसेशन मिलेगा तो कब मिलेगा आपको पहले फीस टोटल देना पड़ेगा उसके बाद आपको वो मैनेज हो जाएगा या वापस कर दिया जाएगा फीस जितना कंसेशन होता है वैसे अकॉर्डिंग क्लियर है तो ये यह हाँ, स्कॉलरशिप भी कह सकते हो ये अच्छी बात है अब बात कर लेते हैं कटअप का ये ये बहुत इंतजार आप कर रहे थे कटअप का तो कटअप जो 2020 का गया हुआ है मुस्लिम मोनिटीज के लिए 431 मार्क्स बिहार में 431 नीट में आपके होने चाहिए तो जाके एडमिशन आपको मुस्लिम मोनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 431 में एडमिशन हो जाएगा लास्ट ईयर हो गया है और जनरल कैटेगरी जो बिलोंग करते हैं वो 475 पे एडमिशन हुआ है ये ध्यान में रखना है इससे कम पे जनरल बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है ये जो मैं कटअप बता रहा हूं ये मोपप राउंड का बता रहा हूं लास्ट समय का कटअप इसको बता रहा हूं अब बात कर ले कि 2021 में सेफ है स्कोर कितना है तो जनरल जिसके जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं 460 प्लस उनका है तो वो सेफ है स्कोर इसको कंसीडर कर सकते हैं मतलब कम से कम तो 460 नंबर चाहिए ही चाहिए बिहार में एडमिशन के कटिहार मेडिकल कॉलेज में यस, नीट में इतना नंबर होना चाहिए अगर मुस्लिम मायोरिटी से बिलोंग करते हैं तो फोर थर्टी चांस बन रहा है कि आपका एडमिशन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में हो जाएगा यही टोटल आपके लिए बात रहा और इसमें इस कॉलेज में सेवेंटी फाइव परसेंट अटेंडेंस क्राइटेरिया का मैंडेटरी है आपको क्लासेज ज्वाइन करना पड़ेगा और इसके जो स्टूडेंट्स है वो यूनिवर्सिटी में टॉप कर रहे हैं कटिहार मेडिकल कॉलेज के ये तो एक अच्छा यूनिवर्सिटी है इसमें एडमिशन लिया जा सकता है आप हमारे एक्सपर्ट से भी जान सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके कि कटिहार मेडिकल कॉलेज का क्या बैकग्राउंड है क्या फीस स्ट्रक्चर है वगैरह ये भी आप हमारे एक्सपर्ट से जान सकते हैं और एडमिशन का भी प्रोसीजर पूछ सकते हैं तो होप्स हो कि आपको पूरा इंफॉर्मेशनल लगा अगर आपको सही वीडियो लगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि उनको पता हो कि क्या कट ऑफ जाएगा एडमिशन के लिए और कितने रैंक कितने मार्क्स वाले बच्चों का एडमिशन इसमें पॉसिबल है और कितना फी स्ट्रक्चर पे करना पड़ेगा तो आप फर्स्ट ईयर ऐसे ऐड करके आप इसमें दे सकते हो क्लियर है मिलते हैं अगले वीडियो में बाय टेक केयर सी यू अगेन